यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे हम HDFC बैंक के जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में, साथ ही साथ हम HDFC बैंक के शेयर प्राइस के चार्ट की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में चार्ट कैसा दिखता है और लॉन्ग टर्म में कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए शेयर, और शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है। ये अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख लीजिए, ये रुपीज इन लाख है, तो इसको अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो ये करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करोड़ में अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल इनकम का। तो यहाँ टू डिजिट आप गायब कर दीजिएगा, 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है, तो यहाँ हो गया 38,933 करोड़। और वहीं बात करें पिछले साल के जून क्वार्टर में 36,698 करोड़ था, तो यहाँ से टोटल इनकम जनरेट किया है कंपनी ने, मतलब इंक्रीज हुआ है टोटल इनकम में। और वही बात करें पिछले मार्च क्वार्टर में, तो यहाँ पर था 40,909 करोड़, तो पिछले मार्च क्वार्टर के कंपेयर पे यहाँ पर टोटल इनकम में डिक्रीज देखने मिला है, क्योंकि इस बार का सिचुएशन पहले जैसा नहीं था। इस बार हम लॉकडाउन में थे, तो लॉकडाउन का फेज था जहाँ पर ऑपरेशन जो कंपनी का बिजनेस है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर टोटल इनकम में इफेक्ट देखने मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंस का, तो जो एक्सपेंस रहा है तो यहाँ पर देखिए टोटल एक्सपेंडिचर, तो इसमें प्रोविजनिंग शामिल नहीं है, विदाउट प्रोविजनिंग है, तो वो है 22,925 करोड़। अगर पिछले साल के जून क्वार्टर में देखें 23,014 करोड़ था, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर में डिक्रीज देखने मिला है, लेकिन रेवेन्यू में मतलब टोटल इनकम में इंक्रीज देखने मिला था, एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है। आप बात करें पिछले क्वार्टर का था मार्च क्वार्टर में 23,891 करोड़, तो यहाँ पर ज़्यादा था एक्सपेंडिचर कंपनी का। वही बात करें अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट का, मतलब जो नेट प्रॉफिट हुआ, तो हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख रहे हैं, तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का, तो यहाँ पर टू डिजिट आपको गायब कर देना है, तो हो जाएगा 7,922 करोड़। तो 7,922 करोड़ यहाँ पर नेट प्रॉफिट है कंपनी का। वहीं जून क्वार्टर 2020 में टोटल जो नेट प्रॉफिट था कंपनी का वो 6,927 करोड़ था, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जंप देखने मिला है नेट प्रॉफिट में। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करें तो पिछले मार्च क्वार्टर में था 8,433 करोड़ का, तो यहाँ पर तो डिक्रीज देखने मिल रहा है, यहाँ पर लगभग जो है आपको यहाँ पर 500 का प्रॉफिट में डिक्रीज देखने मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज देखने मिला है। यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ नेट प्रॉफिट में उसका रीज़न क्या था, हम लॉकडाउन फेज में थे, कंपनी का बिजनेस उससे प्रभावित हुआ, जिससे गिरावट देखने मिला। तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस गिरावट हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस हम क्या किए हैं, प्रॉफिट में यहाँ जंप देखने मिल रहा है। अब यहाँ मार्केट में एस्टिमेट किया था अलग अलग एक्सपर्ट का, उसके अनुसार शेयर के प्राइस में मूवमेंट आपको देखने मिल सकता है। लेकिन वही बात करें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो अर्निंग पर शेयर का, तो अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर में है जून क्वार्टर में 14.40 रुपीज़, वहीं पिछले साल के जून क्वार्टर में था 12.60 रुपीज़, तो यहाँ पर जंप देखने मिला है, 1.80 रुपीज़ का जंप है अर्निंग पर शेयर में। लेकिन अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, 15.30 रुपीज़ था मार्च क्वार्टर में, तो यहाँ पर 90 पैसे का अर्निंग पर शेयर में डिक्रीज देखने मिला है। तो इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आपको शेयर प्राइस में भी देखने मिल सकता है। तो ये रिजल्ट था कंपनी का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। हम चलते हैं कंपनी के स्टैंड लोन रिजल्ट पे, तो वहां पर हमें कंपनी का जो NPA है, ग्रॉस NPA है, इन सारी चीजों को देखने के लिए मिलेगा। तो हम बैक चलते हैं कंपनी के स्टैंड लोन रिजल्ट पे, तो यहाँ पर आपको जो नेट NPA है, ग्रॉस NPA है, हर चीज देखने मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आ चुके हैं कंपनी का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, देखिए 19.1%। और वही कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो था पिछले साल के जून क्वार्टर में वो था कितना, 18.9%। तो कैपिटल एडिक्वेसी इंक्रीज हुआ है, मतलब जो इन्वेस्टर है उसके लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना स्ट्रांग होगा उतना ही बेहतरीन है। यहाँ पर हम बात करें नेट NPA का, तो नेट NPA जो है वो है 5,485 करोड़ का। वही जो नेट NPA था पिछले साल के जून क्वार्टर में था 3,279 करोड़ का। तो यहाँ से देखते हैं नेट NPA में काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज देखने मिला है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। अब देखिए HDFC बैंक
जो बैंकिंग सेक्टर का, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर का लीडर स्टॉक है, मतलब लीडर कंपनी है, तो इसके एनपीए में इतना ज़्यादा ज़बरदस्त जंप देखने मिला है। तो निश्चित है कि दूसरे जो छोटे छोटे बैंक है उसमें भी देखने मिलेगा आपको। वहीं मार्च क्वार्टर में बात करें नेट एनपीए का, तो 4,554 करोड़ था, तो यह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप है, ईयर ऑन ईयर बेसिस तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जंप है नेट एनपीए में, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप देखने मिला है। तो जब नेट एनपीए में इतना ज़्यादा जंप देखने मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, निश्चित रूप से प्राइस में कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्शन देखने मिल सकता है। अब वही बात करें जो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए है टू टोटल ग्रॉस एडवांसेस, वो है 1.47%, जबकि यहाँ पर देखिए एक साल पहले जून क्वार्टर में था 1.36%, यहाँ पे भी जंप देखने मिल रहा है, और पिछले क्वार्टर के कंपेयर में तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप है। वहीं बात करें परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए टू नेट एडवांसेस के कंपेयर में नेट एनपीए जो है वो है 0.48%, और वहीं पिछले साल के जून क्वार्टर में था मात्र 0.33%, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त जंप है। अब यहाँ पर देख लीजिए पिछले क्वार्टर के कंपेयर में भी जंप है, 0.40% था नेट एनपीए नेट एडवांसेस के कंपेयर में। अब बात करें रिटर्न ऑन एसेट का, तो जो रिटर्न ऑन एसेट है 0.45% है, टोटल कंपनी का जो टोटल एसेट था उस पर मात्र 0.45 का परसेंटेज का यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस भी जंप किया है लेकिन पिछले क्वार्टर कंपेयर में डिक्रीज हुआ है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट था, कंपनी के एनपीए में इंक्रीज देखने मिला है, प्रॉफिट में गिरावट देखने मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट में जंप देखने मिल रहा है। अब मार्केट के एक्सपर्ट का क्या एस्टिमेट था उसके अनुसार शेयर प्राइस के में रिफ्लेक्ट आपको होता हुआ देखने मिलेगा। तो चलिए अब हम चार्ट पर शेयर प्राइस में देख लेते हैं शॉर्ट टर्म में क्या भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है। देखिए तो शेयर प्राइस का अगर मोमेंटम देखें, मतलब जर्नी देखें, तो शेयर प्राइस यहाँ पर जब आप पीछे चलते हैं तो 2002 में यहाँ पर आपको चार्ट पे मात्र 6 रुपीज अर्का दिखाएगा, लेकिन दोस्तों ये कॉर्पोरेट एक्शन बोनस और स्टॉक स्प्लिट के कारण शेयर प्राइस टूटते टूटते काफ़ी कम हो जाता है, वो चार्ट पे दिखता है। तो चार्ट पे ये 6 रुपीज के आसपास दिख रहा है क्योंकि ये बोनस और स्टॉक स्प्लिट कारण प्राइस काफ़ी टूट चुका है, और यहाँ पर ये यहाँ से मूवमेंटम पकड़ता है और पकड़ते पकड़ते 6 रुपीज से गया 180 रुपीज तक, और 180 रुपीज से गिर करके फिर आया 87 रुपीज 85 रुपीज के आसपास। तो ये जर्नी आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ 50% तक का करेक्शन दिखाया, ऐसे फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उसके शेयर प्राइस पे इतना ज़्यादा करेक्शन होता था, फिर यहाँ 85 रुपीज से ये जर्नी स्टार्ट होता है, 2009 के गिरावट में ये हुआ था, और फिर यहाँ से 89 रुपीज से ये 1280 रुपीज, मतलब कि 1300 तक ये जर्नी तय किया, फिर वहाँ से गिरावट होता है 1300 से और ये स्टॉक नीचे आ जाता है 750 रुपीज तक, मात्र 750 रुपया में ये स्टॉक मिल रहा था, और 750 रुपया से ये जर्नी फिर से शुरू होता और मतलब 1640 रुपये तक ये जर्नी तय हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी गिरावट होता है तो हम बाय कर सकते हैं, अगर गिरावट 20% का हो तो काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि ये स्टॉक को हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, इसके बिजनेस को अगले 10 से 20 साल तक कोई प्रभावित करने वाला नहीं है, क्योंकि ये सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर के जो लीडर स्टॉक है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं गिरावट में। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पे, यहाँ जो हाल फिलहाल का चार्ट है, अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अभी देखिए यहाँ पर अगर ये यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है, जिसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि नेट एनपीए काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर क्वार्टर बेसिस, हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट के आसपास था तो ये ब्रेकआउट ना हो, लेकिन अगर ब्रेकआउट हो जाता है, अगर मार्केट में जो एक्सपर्ट है उसका एस्टिमेट था कि और ख़राब रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट जो है एस्टिमेट से अच्छा आ गया, बहुत सारे एक्सपर्ट के एस्टिमेट होते हैं उससे अच्छा आ गया, तो यहाँ से फिर से स्टॉक में तेज़ी आपको देखने मिल सकता है। तो अगर ब्रेकआउट देता है तो 1595 रुपये पहला टारगेट होगा, और अगर ये 1640 को क्रॉस कर जाता है तो शॉर्ट टर्म में 1700 का टारगेट होगा। देखिए लॉन्ग टर्म का कोई टारगेट नहीं होता, लॉन्ग टर्म में बस होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न प्राप्त होता है, शॉर्ट टर्म में टारगेट तय किया जाता है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, ये देखिए ये जो यहाँ पर सपोर्ट बनता है इसका 1460 रुपीज़,
तो ये आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या सीधा कहीं ये जो ट्रेंड लाइन बना रखा है ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ब्रेक होता है तो भी आप इसके नीचे जस्ट बस अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट खराब हो सकते हैं। यहाँ पर ये गिरावट दिखाए तो अगर ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो डायरेक्ट 1350 रुपये का होगा। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है काफ़ी नीचे है, तो आप इसमें जब चाहें अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद ले सकते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म में तेजी की संभावना काफी कम दिख रही है क्योंकि रिजल्ट काफी प्रभावित हुए हैं, लेकिन अगर रिजल्ट मार्केट के एस्टिमेट को बीट किया है तो निश्चित रूप से यह तेजी देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट को सस्टेन करने देना है, क्योंकि ब्रेकआउट फेक भी हो सकता है आपको ट्रैप करने के लिए। उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।